अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टडी टिप्स, इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स शेयर करूंगा। ये जो है वो पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट वन जो था वो मैंने आपके साथ जो है वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैंने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप जाकर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर वन जो है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते नहीं। एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से जो मिस्टेक से आपको जो है ना आप उनसे सीखोगे और जो है वो अच्छा परफेक्ट बनने की तरफ आप जाओगे, ठीक हो गया। टिप नंबर टू की बात करें तो वो है कि मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। अब ये बात है कि स्मार्ट स्टडी की तरफ जब आप जो है वो एक फुल आर्टिकल, फुल जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें से जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर जो है वो पेज टू पेज एक पेज में जो कि आपने पढ़ा है उसी के जो है वो साइड में अगर आप जो है वो एक एक फ्लैश कार्ड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो, तो जो है वो एंड टाइम में जबकि आपके पास जो वो टाइम कम होगा, एग्ज़ाम का टाइम होगा, तो उस वक्त जो फ्लैश कार्ड्स हैं उसी को अगर आप देख लो तो वो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो तीसरी वजह से जो है वो मेकिंग फ्लैश कार्ड जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी। टिप नंबर थ्री है म्यूज़िक। म्यूज़िक कौन सा वाला? मैंने म्यूज़िक कहा है, मैंने जो है वो सॉन्ग्स नहीं कहा। तो जो म्यूज़िक जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि क्लासिकल होता है, और इसमें जो है वो जो कि मोज़ार्ट इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वाला म्यूज़िक अगर आप यूज़ करते हैं सॉन्ग्स नहीं, तो वो जो है वो आपके लिए जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो फोकस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो है वो आप उनको यूज़ करने से जो है वो आपकी जो कि जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो है वो आप अगर जो है वो स्टडी के साथ साथ म्यूजिक अगर आप सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक हो गया। टिप नंबर फोर की बात करूँ जो कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, मतलब कि अगर आप जो है वो स्टडी टेबल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो है वो टेबल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप जो है वो बेड में अगर आप पढ़ते हो। तो जब आप जो है वो टेबल में पढ़ोगे तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो है वो एक इन्वायरमेंट मिली है पढ़ने वाली। टिप नंबर फाइव की बात करूँ तो वो ये है कि जब आप जो है वो जब स्टडी करते हो, अगर आप फ़ोन को साइड में रखोगे, जब फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया की कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड का कोई मैसेज आ जाना, तो आपकी सारी की सारी जो कि कंसंट्रेशन है वो जो है वो ख़त्म कर दी है, तो वो जो है वो एक आपकी जो कि जो फोकस है उसको डाइवर्ट कर देती है। जब आप फ़ोन को थोड़ी देर अवे रखोगे तो उससे जो है वो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहेगी और आपको जो है वो फोकस करने में ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि एग्ज़ाम स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये जो टिप्स हैं ये पसंद आई होंगी। अगर आपको ये इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।